खबर देवरिया जनपद से है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देवरिया को प्रशासन ने जितना सुरक्षित रखने की कोशिश किया था, वह उन कोशिशों पर लगातार पानी फिरता नजर आ रहा है। आज जनपद में फिर से 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 20 हो गई, तो वो भी मात्र 5 दिनों में। यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस तरीके से प्रतिदिन बढ़ रही है, प्रशासन के लिए भी परेशानी बढ़ती जा रही है। फिर भी लोग प्रशासन की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके निर्देशों का लोगों में कोई असर नहीं दिख रहा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं समझते। प्रत्येक चौराहे में सुबह से शाम में लोगों की भीड़ वैसे लगती है जैसे उनके बिना चौराहे ही नहीं रहेगा। वहीं गौरी बाजार के निकट जनपद सीमा पर बने चेक पॉइंट का निरीक्षण जिलाधिकारी अमित किशोर एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने तैनात स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस एवं विकास विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को बाहर से जनपद में आने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तैनात सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से के साथ करेंगे। साथ ही बाहर से जनपद में आने वाले हर व्यक्ति का चेक प्वाइंट पर ही पूर्ण विवरण पंचिका बना करके अंकित किया जाए। इस कार्य में लापरवाही न बरतने हेतु सभी को आगाह भी किया। पुलिस अधीक्षक मिश्र ने पुलिस अधिकारियों को चेकिंग में भी किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने का निर्देश दिया। कहा कि चिकित्सकों और प्रशासन को स्क्रीनिंग में अपना सहयोग देने, यह भी ध्यान रखें कि जनपद में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति बिना स्क्रीनिंग और चेकिंग से वांछित न हो। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।